थर्ड एंड लास्ट डे मॉर्निंग, सुबह हो गई है। फटाफट हम लोग बिस्तर से उठ गए हैं, 7:30 बज रहा है, नाश्ता लग गया है। 9 बजे तक हम लोग को वहाँ बस स्टैंड पे, इनके बस स्टॉप जो भी है वहाँ पहुँचना है। तो बस हम लोग को स्टेशन बस ये रेलवे स्टेशन ड्रॉप करेगी। अभी फटाफट करके नाश्ता करने निकलना है, क्योंकि अभी बाबू ने भी ब्रश नहीं किया है। अब वो कर नहीं रहा है, पता नहीं क्यों ब्रश नहीं करता है। चलो बाबू ब्रश करते हैं, थोड़ा सा ब्रश कर ले, फिर चलेंगे। फिर ब्रश करना बहुत ज़रूरी है बेटा, ब्रश करना बहुत, क्योंकि रात भर में ये टीथ में बहुत सारे इंसेक्ट आ जाते हैं। इन्हें नहीं आती है तो सो जाओ, आप सो जाओ, फिर मम्मा डैडी ये बुक करके आएंगे, ठीक है? हाँ आप सो जाओ, मम्मा डैडी को बुक लो, बाबू को बुक, बाबू को आ जाओ। अच्छा आओ जल्दी, आप ब्रश करें, आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ जाओ। वी आर लिविंग दिस अमेजिंग टेंट। यहाँ से बाहर आ गए हैं, सामान वहाँ सामने क्लस्टर है, वहाँ पे ये सामान देना है। ये दे देंगे तो भैया अपने आप बस में रखवा देंगे, सीधा हमें स्टेशन पे मिल जाएगा, जस्ट लाइक एयरपोर्ट की तरह, नेक्स्ट एयरपोर्ट पे मिल जाता है। चलो चलो, नहीं चला पाओगे बेटा, भारी है, भारी है। झूले बैठो, झूले बैठो डैडी, ये दे दें। चलो तुम झूले पढ़ो, किसी को नहीं, ये ऐसे करके ऐसे करते। चलो चलो, क्या सनराइज हुआ है भाई, इतने ठंड के मौसम में सनराइज अच्छा लग रहा है। ये हल्की हल्की थी धूप, जाते जाते झूले का मजा लिया जा रहा है। अरे झूले पे कितनी अच्छी धूप आ रही है, झूले बहुत बढ़िया धूप आ रही है, डायरेक्ट सन का। अरे कहाँ गए ये, अच्छा यहाँ आराम से बैठेंगे, पूरा देखेंगे। चलो चलो चलो, जल्दी बैठो, नहीं बैठने, फिर कहाँ है? अच्छा वहाँ बैठे, आगे से पकड़ने के लिए कुछ नहीं है ना, बैठो बैठो बैठो। चलिए भैया जी, ये बाय ऑल द क्लस्टर्स, बाय टेंट सिटी, बाय। बहुत सारी यादें लेके जाएंगे भाई यहाँ से, 2 दिन या तीसरा दिन है रहे, बहुत मज़ा आया। मतलब ऐसा नहीं लगा कि बोर हो रहे हैं, थोड़ी देर बैठे रहे कि अब क्या करें, ऐसा बिल्कुल नहीं था। लाइन से चीज़ें लगी हुई थी कि अब बिल्कुल सब प्रॉपर था, प्रोसेस वाइज था कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, और उसमें सब कुछ आ गया था, सारे चीज़ें इंक्लूडेड, चाहे एडवेंचर एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो क्लब हाउस का एरिया हो, या खाने का हो, बाहर जाने का हो, कल्चरल एरिया हो, सबका टाइम परफेक्ट टाइम था। तो काफ़ी इन्जॉय किए, मिस करने वाले कुछ दिन तो बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, लेकिन जल्दी प्लान करेंगे फिर यहाँ दोबारा आएंगे। आ जाओ, इसको दरवाज़ा खोलना था। चलो क्या लोगे, इसमें नहीं लेते, इसमें लेते, नीचे से बोल उठाओ। हाँ वो सेम है, सेम है। अच्छा उठाओ, वन ओनली वन, हाँ गिराया नहीं, आ जाओ। कौन सा वाला, विच वन? हाँ घुमाओ और घुमाओ, ये रख दो यहाँ पे, ये रख दो, रख के अब घुमाओ, टर्न करो और तेज, और तेज, और तेज, आ गया, बस वेरी गुड। चलो इसमें दूध डालना है, दूध तो लास्ट है, क्या है इसमें तो लास्ट है, लास्ट है, और ले लो फिर, वेरी गुड, आ गया, वेरी गुड। इसमें दूध डालना है, दूध डालना है, दो वेज दूध, ये है हॉट मिल्क, ये है हॉट मिल्क, यहाँ रख दो, बस
यहाँ इसको थोड़ा सा नीचे करो, थोड़ा सा नीचे, बस 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 छोड़ दो, अब उठाओ उठाओ आराम से, ऐसे पूरे पकड़ के उठाओ, गर्म नहीं है, गर्म नहीं है, हाँ सही है, धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे। ये रहा हमारे थर्ड एंड लास्ट डे सैटरडे का ब्रेकफास्ट। आज इसमें कुछ अलग है, कल खमन था, आज ढोकला है, कल आलू का पराठा था, आज पूड़ी पूड़ी भाजी है, कल ठेपला था, हाँ वड़ा, एक वड़ा सांभर था, आज ये उत्तपा है, और मतलब डेली मेन्यू चेंज होता है। तो हम लोग तीन दिन रहे और तीन दिन मॉर्निंग में अच्छा अच्छा अलग अलग ब्रेकफास्ट का, तो सारी वैरायटी खा ली है, बाकी फ्रूट्स तो रहते ही हैं, चाय तो रहती है, फ्रूट जूस तो रहते ही है, वो कॉमन रहता है ऑल डे, प्लस ये चाय उसके साथ मैं पीने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं इसको एंजॉय करता हूँ, उठकर बस से निकलना है, एक जगह पहले बीच में जाएंगे, उसके बाद हम लोग स्टेशन जाएंगे, वो जगह बाढ़ से रिलेटेड कुछ है, जो बाढ़ कह रहे हैं भूकंप से रिलेटेड, वहाँ पे बताया जाएगा कि भूकंप म्यूज़ियम बोलते हैं जिसे, जहाँ पे आपको गाइड किया जाएगा, अगर आपको आता है भूकंप तो कैसे बच सकते हैं, मैं आपको ये वीडियो में पूरा कवर करने वाला हूँ, मैं दिखाऊँगा कि हम लोग वहाँ पर क्या सीखें। बाय बाय हमारा प्यारा डाइनिंग हॉल, चल बढ़ी है हमारी सवारी बस की तरफ, बस की तरफ, ओके यहाँ की लास्ट याद हमारे शटल्स बहुत याद आएंगे, स्पेशली वो ट्रेन याद आएगी देखो उसमें नहीं जाते, वैसे एक बात सही कही गई है, हम लोग गांव छोड़ के शहर आते हैं कमाने, और फिर पैसे देके गांव जैसे एरिया में आते हैं अपनी लाइफ को रिलिव करने, बट यही लाइफ है। चलो बाय बाय, अंटिल नेक्स्ट टाइम। बस के लिए लाइन लगी है, जो लगेज टेंट हाउस से यहाँ लेकर आए थे वहाँ पे हमें वो अपना कूपन दिखाना पड़ेगा, तो वो जिस बस में रखेंगे उसी बस में हमें डिपोर्ट करेंगे, तो हमारा पहला एक वो है अवंतिका, वहाँ लाइन पे लगी हुई है, हो जाएगा फिर अभी बस में चलेंगे। चलिए अब हम चले स्मृति वन म्यूज़ियम की तरफ, जहाँ पे भूकंप पीड़ितों के बारे में बताया गया, कैसे भूकंप आया था, कैसे हम बच सकते हैं, और उसके बाद हम अपने रेलवे स्टेशन जाएंगे अपनी ट्रेन को पकड़ने। स्मृति वन रेलवे स्टेशन से कुछ 7-8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जो बस को 10 से 15 मिनट लगता है कवर करने में, तो हम पहले इन प्लान में कुछ चेंज हुआ, पहले हम रेलवे स्टेशन आए, वहाँ पे हमारा बैग निकाला गया, हम थोड़ा वहाँ बैठे, उसके बाद हम वहाँ से स्मृति वन आए, 15 मिनट लगा बस से, हम यहाँ अभी स्मृति वन पहुँच गए हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री टूर रहता है जो हमने पैकेज लिया है 3 नाइट 2 डेज़ का, उसमें ये कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, जिसमें टिकट हमें वाइट टेंट की तरफ से मिलता है। टिकट लेके हम अंदर आ गए हैं, अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा बना है, बहुत सारी यूनिक चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छा बनाया है, हर चीज़ अर्थक्वेक से रिलेटेड रहेगी, यहाँ पे कई सारे डोर्स हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो बताएंगी अर्थक्वेक के बारे में, जो गुजरात के भुज में आया था 2001 में। सबसे पहला गेट पुनर्जन्म का था, अर्थ के पुनर्जन्म का, उसमें बताया गया था कि अर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई और कई करोड़ों साल पहले कैसे कौन कौन से क्या क्या पत्थर थे। उसके बाद हम एक ऐसे गेट में आ जाते हैं जहाँ पे लाइव हमें दिखाया जाता है स्ट्रक्चर बना के, कि जब भूकंप आया था तो कैसा उस समय वहाँ पे माहौल था, लोग कैसे परेशान थे, घर कैसे टूटे थे, ये काफ़ी इमोशनल पल था हम लोग के लिए, क्योंकि वैसे बनाया गया था ऐसे, मतलब हम खुद फील कर पा रहे थे कि क्या हम वहाँ पे हैं, शायद हमारे साथ ऐसा हो रहा है। जगह जगह पे उसके आंकड़े लिखे थे, कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, कितने लोग घायल हुए थे, हर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई थी, कैसे घर टूटे थे। उसके बाद भूकंप के बाद गवर्नमेंट ने जो प्लान तैयार किया था उसका स्ट्रक्चर भी हमें दिखाया गया, प्लस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम हर जगह जाके देख सकते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, मेडिकल में कितने एक्सपेंसेस हुए हैं।
ये जो लकड़ी का डोर देख रहे हो आप, ये वहाँ के लोकल लोग ने बनाया है, ये विंडो डोर बनाया है। जैसे आप इसको ओपन करते हैं, इसके अंदर एक एलईडी है, उसके अंदर जो भी है उनके सक्सेस स्टोरी के बारे में बताया गया, जो भी वहाँ के लोकल लोग हैं। इस म्यूज़ियम में कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, तो मैंने जितनी भी रिकॉर्डिंग की है सब अपने मोबाइल के कैमरे से किया है। तो जितना मैं आपको दिखा सकता था उतना मैंने दिखाया। बाकी इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं दिखा नहीं पाया। मैं चाहता हूं कि आप लोग आएं इस जगह, इस म्यूज़ियम पे आएं, इसमें घूमें और जगह को फील करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं अपने ब्लॉग को और अनफ कच्छ के टूर को यहाँ पे एंड करता हूँ। आशा करता हूँ आपने मेरे साथ पूरा ये वर्चुअली टूर किया होगा और आप भी यहाँ जाना चाहते होंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने सारे वीडियोस नहीं देखे हैं कच्छ के, तो आप वीडियोज़ देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद।